मैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मतलब लोकसभा के अंदर का जो नजारा 18 जुलाई 2022 को दिखा वो तो गजब का था। जो कभी बीजेपी के हुआ करते थे वो टीएमसी के हो गए, चुनाव जीते और लोकसभा में शपथ लेने के लिए पहुंचे। लेकिन शपथ लेने के दौरान जब शत्रुघ्न सिन्हा का सामना पीएम मोदी से हुआ, तब का नजारा तो वाकई हैरान कर देने वाला था। जैसे ही शपथ लेने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा उठे, नजरें सीधे पीएम मोदी से मिली, फिर सारे गिले शिकवों को भुलाकर दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। खैर, इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने शपथ ली। वेस्ट बंगाल, श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। मैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वाहन करूंगा। जय हिंद, जय बांग्ला। अब शपथ लेने के बाद जब शत्रुघ्न सिन्हा वापस लौट रहे थे तो फिर से आंखें पीएम मोदी से मिली और फिर से दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया और इसी के साथ ये नजारा एक अद्भुत बन गया। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा वैसे तो बीजेपी के ही थे, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान मंत्री भी बनाए गए और पटना इलाके में अच्छा होल्ड भी रखते थे। लेकिन फिर वक्त के साथ शत्रुघ्न सिन्हा की दूसरी पार्टी से नजदीकियां बढ़ गईं और विचारधारा पार्टी लाइन से अलग होने लगी। जब नाराजगी बढ़ी और पार्टी से साइडलाइन होने लगे तो शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी को अलविदा कह दिया। शत्रुघ्न सिन्हा 2019 में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2022 में टीएमसी का दामन शत्रुघ्न सिन्हा ने थामा, आसनसोल से उपचुनाव लड़े, लोकसभा उपचुनाव में जीत भी मिली। जीत मिली तो शपथ के लिए शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा पहुंचे और इस दौरान जो नजारा था वो काफी अलग दिखा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।